एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यूअर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, राम राम सीता राम। उसी के साथ सुबह के बज चुके हैं 10, और अगर हमारे चैनल में सबसे पहले नहीं है वो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज हम घर पे बनाने वाले रसपूरी और सरकारी शाक। सरकारी शाक मीन्स के बटेका का सब्जी बनाने वाले। वो सभी को चलता है और सभी के साथ चलता है, इसलिए क्या क्यों ऐसा हो, रिंगड़ा बटेका खारी बटेका का है तो ये अच्छा प्राइवेट शाक बोलते हैं। तो भाई वो वाला बनाने वाले, और कल का वीडियो शाम को नहीं रख पाया था तो अभी रखा है। जिसने जाके नहीं देखा है वो देख लीजिए और अच्छी अच्छी कॉमेंटें कीजिए, और आज वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि आज हम घर पे बनाने वाले हैं रस पूरी और बटेका की सब्जी। तो हम दिखाएंगे कि हम किस तरह से आम की मजा लेने वाले हैं। और हमारे भाई उठ चुके हैं, तो गुड मॉर्निंग रोहित भाई, क्या है आज के अखबार में ऐसा है तो आप? हाँ, मैं अभी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, तब तक आप अखबार पढ़ लो। तो चलिए, किशन में आ चुके हैं और मम्मी और सोनल कल शाम को ही आ गई थी। और देख लीजिए, अभी हमारा सुबह का रस निकाल लिया है। अभी सिर्फ इसको वेंडर घुमा के इसको इसमें सानने का है, तो इस तरह से हमारा रस बनेगा। और इधर हमारी अभी बटेका की सब्जी हो रही रेडी, और एक कुकर में बनाने के तपेले में बनाने। कुकर में क्या होता है, सब कुछ प्रोटीन होता है ना, वो फट जाता है इसमें से, ऐसा बोलते हैं डॉक्टर लोग। तो माटी का बर्तन होता है ना, उसमें अच्छी सब्जी बनती है, सब ऐसा बोलते हैं। पर अभी माटी के बर्तन में क्या है, लेडीज लोगों को टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो ये लोग माटी के बर्तन में नहीं बनाएंगे, इसलिए कुकर का इस्तेमाल कर लेते हैं। और अभी भी इधर हमारा रस को पीला जा रहा है, तो जब तक रस हो जाता है रेडी तब तक मैं अपना सुबह का थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, रोटी खा लेता हूँ, फिर बातें सीटें करेंगे क्या सब कुछ। सुबह का ब्रेकफास्ट हो चुका है और ले लेते हैं रस का अपडेट। तो रस हम ना उस ब्लेंडर करके उसके बाद हम इस तरह से इसको छान लेते हैं, क्योंकि इसमें जो क्या बोलते हैं रेस है वो सब होते हैं ना, वो रस में नहीं आते हैं ज्यादातर। वो काफी सारे लोग मम्मी वो कपड़े से करते हैं, पहला करता कंतान्या, हाँ कंतान्या से, उसमें हाँ उसमें बहुत टाइम लग जाता है, ये सबसे इजी वाला है। स्पेशल रस की आती है ऐसा है, तो ये वाला मम्मी को इजी लग रहा है। और बातों में रस पूरी बनाने की थे तो गुड मॉर्निंग करना है, भूल गए, तो गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो चलिए अभी मम्मी को रस निकालने देते हैं। और इधर हमारा क्या बनाने का है, दोपहर को बटेका की सब्जी, तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। और उसके साथ क्या बनाने का है, पूरी पूरी शादी बनाने की है क्या, मसाला तीखी बनाओ ना, तीखी। तो भाई दोपहर को तो रस पूरी बनने वाला है, तो सिंपल तो आप रस फ्रूट सलाद, वो भी मैं बोलना भूल गया, रस फ्रूट सलाद बनाना है, लेकिन ज्यादा नहीं बनाएंगे, पहले थोड़ा सा बनाएंगे, क्योंकि एक साथ सब डाल देंगे तो आटलो अभी 2-3 लोगों का बनाएंगे, फिर वो जो खराब हो जाएगा तो पूरा पड़ा रहेगा। हाँ ऐसा जी, एक एक वाटकी सबको पहले आएगी, इस तरह से बनाएंगे, अच्छा लगेगा। तो सीजन तो अभी खत्म नहीं हुई है, अभी हमारे पास 2-3 दिन तो है, तो उसमें दूसरी बार बना डालेंगे। चलिए, तो रोहित उठ चुका है, तो उसके अखबार की न्यूज ले लेते हैं। तो रोहित भाई, गुड मॉर्निंग तो हमने कर दिया, तो बता दीजिए कि आज के अखबार में क्या आया हुआ है। अखबार में वो थोड़े दिन से ज्यादा हर रोज वो आता था ना अमेरिका, उसको नादारी जाहिर करने का, वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, वो साल नहीं होगा ऐसा है। वो उसका जो 31.4 ट्रिलियन डॉलर का जो देवा है ना, उसकी 2025 तक डेट हो गई है, ऐसा है, लोग ब्याज भरेंगे, ऐसा होगा, क्या होगा मालूम नहीं। और कुछ नया हमारे इधर की क्या खबर है, अभी तो इधर का तो कुछ नहीं है, अभी तो क्या है, वो रिजल्ट आया कल, हाँ वो विघ्न उसका तो बहुत ज्यादा है। और थोड़ा आवाज आपका जोर से बोलने का, आपकी आवाज कम आती है हर बार, कम नहीं आती है। और तो कुछ है कि, तो कुछ नहीं है भाई, तो भाई आज अखबार में कुछ नहीं है, विज्ञान सामान्य विज्ञान प्रवाह का, सामान्य प्रवाह का आया रिजल्ट, कॉमर्स का रिजल्ट आया, तो काफी सारे लोगों को अच्छा अच्छा रिजल्ट भी आया है, और काफी सारे लोग फेल हो गए, तो उसको भी कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि परीक्षा
ये वाली परीक्षा हमारे जीवन में ज्यादा महत्व नहीं, हम हमारे जीवन में क्या करते हैं वो परीक्षा ज्यादा महत्व है, इसलिए मेहनत करने का और आगे बढ़ने का, ऐसे रिजल्ट आने से कोई किसी को परेशान नहीं होने का। और चलिए आ चुके हैं फिर से किचन में, तो अभी इधर बटेका की सब्जी बन रही है और इसके बाद इधर रस निकल चुका है, देख लीजिए पूरा भरा हुआ था, अभी इतना ही बसा है, ये जो रेशा होता है ना यही बसता है। तो अभी ये लोग अभी सब्जी और रस बनाने वाले हैं, उसके बाद हम बनाएंगे पूरी और रवा भी बनाने वाले हैं, तो वो दिखाएंगे हम किस तरह से बनाते हैं। हर लोग अपने घर में बनाते होते हैं, अपने अपने हिसाब से बनाते होते हैं, तो हम हमारे हिसाब से किस तरह से बनाते हैं वो दिखाएंगे। दोपहर के बज चुके हैं 11:30 और ले लेते किचन में अपडेट के रस पूरी का क्या हुआ है। तो चले आ चुके हैं किचन में और देख लीजिए बटेके की सब्जी हो चुके हैं रेडी और पानी गर्म किया है रवे में डालने के लिए और ये हमारा रवा आ चुका है और इधर देख लीजिए पूरी भी, पूरी का लोट बांध दिया है और रस में हम इतना ड्राई फ्रूट ना खूँ मम्मी, बादाम ने काजू है वो तो हाँ, तो वो भी डालने का वो तो डालेंगे। तो चलिए ये वाला है बनाना चीकू और दाड़म, तो अभी ड्राई फ्रूट सोचते हैं काजू या बादाम डाल दे, और मैंगो का रस में एड जाने वाला है, फर्स्ट टाइम हम ट्राई कर रहे हैं, हमको अच्छा लगेगा तो आपको भी बोलेंगे ट्राई करने के लिए, तो पहले हम तो ट्राई कर लेते हैं। और चलिए अभी बनाते हैं मम्मी रवा, तो रवा की प्रोसेस क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। रवा बनाने के लिए सबसे पहले हमने घी ले लिया है, इसके बाद इसके अंदर मम्मी क्या डालने का है, रवोत्ते, तो अभी जा रहा है देख लीजिए इसके अंदर रवा, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने का कितना टाइम लगता है मिक्स, अभी इसको रवे को सेकना पड़ेगा, तो अभी सेकने के बाद कलर चेंज होता है कि ऐसा ही रहता है, चेंज हो जाता है। और नीचे देख लीजिए अभी पूरी का काम चालू कर दिया है, तो पहले रवा बनाते हैं हम। तो रवे की स्मेल तो बढ़िया आ चुकी है, तो हो गया है रेडी रवा, तो कलर चेंज नहीं होता है ना, रवा फूल के फो जाता है ना, अभी नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। दूध डालने का है रवा के अंदर, हम कितना भी घर पे रवा बनाए लेकिन वो सत्यनारायण की कथा होती है उसमें जो रवा होता है ना इस जैसा घर पे नहीं बनता, दूध ना हो इसलिए बनाया, आप दूध में होता है, हम दूध डाल के भी एक बार बनाया था फिर भी ऐसा तो प्रसाद प्रसाद जैसा मजा नहीं आता है, वो बहुत अच्छा मीठा लगता है। और तो देख लीजिए रवा छेक के फूल चुका है, तो कलर चेंज नहीं होता है ना, ऐसे बबल्स होने लगते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि रवा हो चुका है रेडी। अभी इसके अंदर क्या डालने का है, तो अभी इसके अंदर जाएगा गर्म पानी। और पहले क्या था गांव में, जब भी मेहमान आते थे तो रवा और भजिया और रोटी शाक बस डाल, इतना सिंपल सा ही बनाते थे, अभी तो रस मट्ठा सब तैयार रेडीमेड लेके आ जाते, वो तो चला ही गया, अभी फास्ट फूड आ चुका है, पानी पूरी, पाव भाजी, छोले भटूरे, पाव भाजी, सैंडविच, दाबेली, ऐसा सब बनाने लगे है। तो ये पुरानी जो चीज थी ना वो सब चलेगी, मीठा मीठा किसी को ज्यादा पसंद नहीं अभी, और हमको सबसे ज्यादा मीठा ही पसंद है, जितना मीठा होगा ना इतना मजा आएगा। तो अभी पानी कब डालने का है, तो चलिए अभी इसके अंदर जाएगा पानी, पानी भी आपको गर्म करके इसके अंदर डालने का है, हमने दूसरे वाले चूल्हे पे ना पानी गर्म कर दिया था। पानी गर्म क्यों डालने का होता है मम्मी, हाँ पानी गर्म क्यों करके डालने का होता है, हाँ तो रवा जो है ना वो चिकना नहीं होता है ना, इसलिए देख लीजिए, तो इसके अंदर पानी जाते ही पूरा पीसन ना ऐसे वराल से भर जाता है, इसलिए कभी कभार ही बनाते हैं, वरना तो ये लोग रोज बना के खाते। तो अभी इसके बाद पानी जलने देने का, बस तो देख लीजिए पानी किस तरह से इस वो रवा है ना वो पको ही जाएगा, तो पानी सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद शुगर अभी डालने का है कि डाल दिया, अभी शुगर भी बाकी है, तो देखते हैं। रवा फूल चुका है, देख लीजिए अभी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं मम्मी शुगर, काफी मात्रा में शुगर डालना पड़ता है तभी मीठा होता है ना मम्मी, चार मुठी रवो होता है, चार मुठी खांड में रही। तो जितना रवो है उसके सामने इतना ही शुगर हमको ऐड करना पड़ता है, अभी शुगर जल जाएगा उसके बाद ऊपर से घी डालना पड़ेगा फिर से हो जाएगा इसमें,
देख लीजिए बढ़िया तरह से रवा हो चुका है हमारा रेडी। थोड़ा शुगर अभी पिघलने देंगे, उसके बाद रवा हो जाएगा। मम्मी इसकी टेफली बनेगी कि नहीं बनेगी? अपने हम तो नहीं बनाएंगे, ऐसे खाने खाएंगे। रवा रोहित तो है ना, वो बहुत ज्यादा करवा देता, उसको बहुत पसंद था। अभी वो नहीं खाता है मीठा, लेकिन पहले ऐसा बोलता था कि कहीं पे कथा बता होती है तो मम्मी जाके आते हैं, तो फिर घर पे आके बोलता है कि रवा मेरे को बना दो। और ऐसे भी हम पहले मेहमान आते थे तभी बहुत बनाते थे। और टेपली तो हम इसलिए नहीं करने वाले क्योंकि मेहमान को पिरसना होता है, तो उनके लिए करते है। हमको खाना है तो हम सीधा ऐसे ही डायरेक्ट खा लेंगे। तो रवा बन के हो चुका है रेडी, देख लीजिए भाई फाइनली रवा इस तरह से बन चुका है हमारा। थोड़ा थोड़ा घी बाहर निकल जाए रवे में से तो रवा हो जाएगा रेडी। तो अभी रवा हो चुका है रेडी, इसके बाद हम बनाएंगे पूरी। तो पूरी देख लीजिए इस तरह से, सभी लोग को हाथ है होगा लेकिन हमारी पूरी हम बनाने वाले हैं मसाला पूरी बनाई है ना, और तीखी पूरी, मसाला नहीं तीखी। तो अभी इसका अपडेट चल रहा है, तो इसको भी वो पूरी मशीन में दबा दबा के बना, दबा के बनाने का बेल के, हाँ दबा के बनाने का है। पूरी बनने में तो अभी टाइम लगेगा, तब तक हम वो जो बोला था जैसे फ्रूट सलाद बनाते उस टाइप से ड्राई फ्रूट वाला रस बना लेते हैं। तो वो आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसमें क्या क्या डालने वाले। मम्मी ड्राई फ्रूट डालना था वो तो निकाला नहीं आपने ऐसा है? नहीं वो नहीं डालने का है, आप डाल सकते हो डालना हो तो। हम सिर्फ फ्रूट ही डालेंगे। तो फ्रूट में चीकू, बनाना और ये दाड़म ले लिया है, व्हाइट इसलिए कि देसी दाड़म हमने यूज किया है। और ये रस हमने दादा के लिए अलग निकाल लिया क्योंकि वो उसके पास दांत नहीं है ना, वो नहीं खा सकेंगे। तो देख लीजिए इस तरह से सारा फ्रूट हमने रस के अंदर डाल दिया है। अभी हम लोग पहली बार ट्राई कर रहे हैं इसलिए हमें पता नहीं है किस तरह से बना है, और कभी कहीं पे देखा भी नहीं है हमने, इसलिए हम इस तरह से बना रहे हैं। तो हमारे स्नेह मिलन हमारा परिवार था वहाँ पे, काका ने वो सब ने खाया था, हम लोग नहीं जा पाए थे क्योंकि दादा बीमार थे इसलिए। तो अभी देख लीजिए इस तरह से मिक्स अच्छी तरह से हो गया। अभी दोपहर को जब पूरी के साथ खाने बैठेंगे ना सब, तभी सभी से पूछना पड़ेगा, सभी का टेस्ट अलग अलग होता है, जो देखते किन 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 लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। पूरी बनाने का स्टार्ट कर दिया है, पहले सब हम इस तरह से पूरी को बना लेंगे, फिर इसके बाद फ्राई करेंगे। और ये मशीन है ना आई थिंक 15 साल पुराना है, 15 तो हाँ, तो मम्मी के शादी में लेके आए होंगे ये मशीन है। अभी कोई शादी में ये मशीन नहीं देता है, कोई लाता नहीं है क्योंकि सबके घर पे होता ही है इसलिए कोई नहीं लाता है। तो पूरी बनाने का स्टार्ट को ये सब पूरी इस तरह से हम कर लेंगे, फिर इसको ना फ्राई करेंगे। चलिए तो अभी तेल आ चुका है, तो पूरी तलने का कर दिया है स्टार्ट हमने। देख लीजिए सभी लोगों के लिए पूरी बनाने वाले हैं, दादा के लिए भी पूरी बनाएंगे, दादा को भी आज पूरी खिला ही देते हैं। चलिए तो पूरी इस तरह एक साथ दो दो ही डालने की है। अभी थोड़ा सा तेल अभी गर्म ही हुआ है इसलिए दो दो डाल रहे हैं, फिर एक साथ सारी पूरी हम फ्राई कर लेंगे। तो पूरी के घान पे घान निकलने का हो चुका है चालू, और देख लीजिए पूरी अच्छी तरह से फूल रही है इसमें, है पूरी बहुत बढ़िया बढ़िया फूल रही है ना। मशीन ने की है और एकदम पतली सी है इसलिए की है, पतली पूरी नहीं फूलती है कि जाड़ी नहीं फूलती है, पतली नहीं फूलती, थोड़ी सी थिकनेस वाली होती है ना तो फूलती है, देख लीजिए। तो इतनी सारी पूरी तल दी है, तो अभी सारी पूरी ये लोग तल डालेंगे, फिर हम खाने के लिए बैठेंगे, तब मिलेंगे कि क्या क्या सबका रस का एक्सपीरियंस लेंगे और सबको पूछेंगे कि ये वाला रस आपको कैसा लगा। तो अच्छा लगेगा तो आप भी ट्राई करना, मुझे तो ऐसा 100% लगता ही है कि अच्छा ही लगेगा, उसमें कुछ होता नहीं जैसे कि हम दूध में हो सब कुछ कैसे डालते है इस तरह डालेंगे। कौन ऐसा बोल रहा है? लक्ष्मी नगर में केदारनाथ जाने वाले, उसका वीडियो भी आएगा। तो आप 100 कमेंट करना और बताना कि हम गुजराती में वीडियो बनाए या हिंदी में बनाए, जिसकी ज्यादा कमेंट आएगी ना वो वाला हम वीडियो बनाएंगे। तो देखते हैं कितनी कमेंट आती है ना। और अभी 3 दिन बचे हैं, सोमवार को हम जाने वाले हैं, सोमवार को अहमदाबाद जाएंगे, वहां से सीधा डायरेक्ट हम जाएंगे दिल्ली की फ्लाइट है अहमदाबाद से।
और वहां से हरिद्वार पहला दिन होगा, तो हर रोज का व्लॉग आएगा, एक दो दिन ऐसे आगे पीछे हो जाएगा क्योंकि वहां पे टाइम नहीं मिलेगा एडिट करने का, कहीं पे नेट नहीं मिलेगा, तो ऐसा सब कुछ रहेगा। तो कमेंट करना आज आपको किस में वीडियो देखना है। तो अभी दोपहर के बज चुके हैं 12:30 और खाने का टाइम हो चुका है, तो चलिए खाना खाने के लिए जाते है। तो पापा ने तो खाना खा भी लिया, तो कैसा लगा आपको रस? ऐसा नहीं, वो ड्राई फ्रूट सब डाला था इसलिए बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, ऐसा नहीं है किसी को खाना हो तो खा सके, इसलिए इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा लगा, अच्छा। तो चलिए रोहित भाई को भी पूछ लेते हैं। रोहित भाई आपको कैसा लगा? ऐसे सबको खाने जैसा है कि खा सकते है? तो तूने भी ट्राई कर ली सोनल, तो कैसा लगा? ऐसा है, तो चलिए अभी मैं भी ट्राई करके फाइनल रिव्यू दे देता हूँ कि किस तरह से हमको ये रस लगता है और आपको खाने जैसा है क्या नहीं। चलिए तो अभी हमारा दोपहर का लंच तो हो चुका है, अभी 5 मिनट आराम करेंगे और रस थोड़ा सा बहुत बढ़िया बना था, तो आप लोग भी ट्राई करना, लेकिन ज़्यादा नहीं ट्राई करने का, जिसको पसंद होगा उसको ही पसंद आएगा, इसलिए एक साथ नहीं ट्राई करने का। जितना खाना है एक कटोरी खाना है तो एक कटोरी में ही ड्राई फ्रूट डालना। और अभी मैं जाऊँगा ऑफिस पर क्योंकि बहुत सारा काम है, 3 दिन के बाद हमें 15 दिन के हॉलीडे पे जाने वाले हैं, इसलिए सारा काम निपटाना पड़ेगा अभी 3 दिन में। तो मिलेंगे दोपहर को 5 बजे जब ऑफिस से आएंगे तब। चलिए तो अभी शाम के बज चुके हैं 5:30 और आ चुके हैं घर पे। तो रास्ते में से जब आ रहे थे घर पे तो रोहित के बूट एक जगह पे पसंद आ गए, तो उसका बूट लेके आ चुके हैं, देख लीजिए। तो रोहित भाई के दोनों बूट एक साथ रख के बता दीजिए भाई, कैंपस के बूट लेके आए है ना, कैंपस। तो रोहित को ये वाला बूट पसंद आया है, मुझे भी ये वाला बहुत अच्छा ही लगा। तो आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट करके बताना। और चलिए अभी किचन में जाके देखते हैं। इधर देख लीजिए मम्मी कुवार भाकू लगा रहे हैं मुंह पे, और इधर हमारे लिए गर्म पानी हो चुका है। गाठिया ले आया पप्पा तुम्हें, संजय काका लेके आ रहे हैं, रहने दो। चलिए तो अभी दोपहर का तो सब कुछ ये अपडेट है, और पूछ ही लेते हैं शाम को क्या बनाने का है। शाम को क्या बनाने का है? शाम मुझे काई नहीं किया, अभी कुछ नक्की नहीं किया है। तो भाई शाम का अभी कुछ नक्की नहीं हुआ है, तो अभी ये वाला बूट आप सिर्फ वहाँ केदारनाथ थी पैर के जाने वाले हो कि अभी शुरू में भी पहनेंगे? अभी तो 20 दिन तो वहाँ पहनेंगे, बाद में जरा तो देखते हैं। वैसा है, तो भाई इस तरह से सब कुछ चल रहा है। तो रोहित के तो बूट लेके आ चुके हैं, अभी सोनल के बाकी और हमारा सारा पैकिंग भी बाकी है, और बचे हैं हमारे पास 2 दिन, क्योंकि 2 दिन में हम हमारा सारा पैकिंग करेंगे। सोमवार को हम 2 बजे इधर से निकलेंगे, तो 8-9 बजे तो अहमदाबाद पहुंच ही जाएंगे, वहां से हमें एयरपोर्ट जाना है। सुबह 4 बजे की फ्लाइट है, तो देखते हैं, एयरपोर्ट भी हमें 3-4 घंटा वहाँ पर निकालना पड़ेगा, 5 घंटे तो एयरपोर्ट पर निकालना पड़ेगा, तो देखते हैं वहाँ पे जाके क्या होता है। अभी तो फिलहाल सभी चीज़ भी लेनी बाकी है, दवाएँ वगैरह क्या क्या सब साथ में ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ कोई किसी को कुछ तकलीफ हुई तो दवा हम दे सकते हैं, इसलिए साथ में ले जाएंगे। और अभी सोनल के शूज़ बाकी है तो वो लेके हम जाते हैं, और टाइम हो चुका है अभी 6:30, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अभी आज के लिए इतना ही है, वीडियो को इधर ही एंड कर देते हैं। कल मिलेंगे कुछ अच्छे नए कंटेंट के साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट नहीं कर रहे हो तो पहले करना। इस वीडियो में मुझे 100 कमेंट तो चाहिए ही, तो देखते हैं आज कौन कौन कमेंट करता है। तो अभी इस वीडियो को इधर एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।